पार्ट वन अकाउंट में है, विजिट कर लो पहले। त्यागी जी ने बताया कि यहाँ पे कई सारे लोगों ने आत्महत्या की थी, वो भी बिना किसी रीजन के। एंड त्यागी जी अपने साथ हुए एक इंसिडेंस को बताने लगते हैं। उन्होंने बताया कि जब वो एक दिन किसी के कहने पर चाय लेने जा रहे थे, तब उन्हें सामने दिखता है कि एक बंदा वहाँ पे आ रहा था, और वो त्यागी जी से कहता है कि मुझे लाल वनी जी से मिलना है, से मिलवा दीजिए, वही है जो मुझे बेघर होने से बचा सकते हैं। त्यागी जी कहते हैं कि यहाँ पे कोई लालवनी नाम का आदमी नहीं रहता है, तुम किसी गलत जगह पे आ गए हो। फिर वो बंदा कहता है कि आपको ऐसा लालवनी जी ने कहने को कहा होगा ना, वो मुझसे नहीं मिलना चाहते। और ये सारी चीजें कहकर वो रोने लगा। एंड फिर वो कहता है कि लालवनी जी ने मुझे डेट भी दी थी, ये देखो। वो जो नोटबुक दिखाता है उसमें किसी पुराने स्याही से लिखा हुआ था, जिसमें आज की नहीं बल्कि 1996 की डेट डली हुई थी। त्यागी जी कहते हैं कि क्या भद्दा मजाक कर रहे हो मेरे साथ। और जैसे ही वो सामने देखते हैं, वो बंदा अचानक गाया, और ये कहानी सुनाते सुनाते बहुत ही रात हो गई थी। तो गौरव कहते हैं कि चलो यहाँ से चला जाए, आज शायद आत्माएं हमसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहती। और जैसे ही वो अपना ईएमएफ मीटर कैमरा जो कुछ भी उनका इक्विपमेंट था वो सारी चीजों को पैक करके घर वापस जाने ही वाले थे कि उन्हें लगा कि चलो इसमें जो कुछ भी कैप्चर हुआ है उसे क्यों ना देखा जाए। एंड उसमें जो कैप्चर हुआ था